Assalamualaikum friends, आज हम इस वीडियो में arithmetic mean, median और mode को solve करेंगे। यानी कैसे हम arithmetic mean, median और mode के problems को solve कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में discuss करेंगे। और वीडियो start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और पहले ही मैंने जो है ना arithmetic mean, median और mode पे शॉर्ट वीडियोस बनाई है, अगर आप कहेंगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है ना वहां से देख सकते हैं। लेकिन आपको जो है ना इन तीनों का कॉन्सेप्ट और इन तीनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो जो है ना कम्प्लीटली देखनी पड़ेगी। और शॉर्ट हम जो है ना MCQs या किसी भी टेस्ट में जा रहे हो तो हम जो है ना एक बार शॉर्ट देख ली तो हमें जो है ना वो समझ आ जाती है। इसीलिए जो है ना मैंने उन पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी MCQ टाइप ट्रिक्स तौर, यानी हम ट्रिक्स तौर कैसे इन तीनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व करने के लिए ये शॉर्ट लॉन्ग वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, नहीं तो वीडियो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। arithmetic mean क्या है, उसकी डेफिनेशन और वो कैसे जो है ना सॉल्व होंगे उसके प्रॉब्लम्स, तो उसकी डेफिनेशन है इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी arithmetic mean जो है ना हमें कैसे ऑब्टेन होगी, तो नंबर्स जो हमें गिवन होंगे हम उसे ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स से। यानी अगर हमें 5 नंबर्स गिवन है कोई भी, तो हम उन 5 नंबर्स की एडिशन करेंगे और उसे जो है ना 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है ना arithmetic mean ऑब्टेन होगी। तो फार्मूला है arithmetic mean का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसकी एडिशन और हमें जो है ना डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, टोटल नंबर्स हमें ऑब्जर्वेशन की कितनी गिवन है उससे हमें जो है ना डिवाइड करना है। एग्जांपल हमें गिवन है द स्टूडेंट स्कोर्ड इन 5 सब्जेक्ट्स आर 67 81 87 75 90। यानी कोई भी स्टूडेंट है वो जो है ना 5 जो सब्जेक्ट है उसमें जो है ना ये मार्क्स जो है ना उठा रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, ये मार्क्स जो है ना 5 सब्जेक्ट में उठा रहा है, तो इससे हमें जो है ना इसकी हमें जो है ना arithmetic mean फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें जो है ना गिवन मार्क्स है, गिवन मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट में जो है ना हमें गिवन मार्क्स इतनी है, कोई भी स्टूडेंट है उसकी 5 सब्जेक्ट में मार्क्स ये गिवन है 67 81, 87, 75 और 90। हमें जो है ना ये 5 सब्जेक्ट की स्टूडेंट की मार्क्स गिवन है। अब जो है ना हमें इसकी जो है ना arithmetic mean फाइंड आउट करनी है, तो हम जो है ना ये जो मार्क्स हमें गिवन है 5 सब्जेक्ट में इसे हम जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में, यानी हम जो है ना जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर होगा हम जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना पहले लिखेंगे और लार्जेस्ट एंड में लिखेंगे। अब जो है हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को लिखा और अब जो है हमें उसका फार्मूला गिवन है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमें ये ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो हमने की जो है ना एडिशन की, ये हमने जो है ये प्लस की यहाँ सिंबल ऐड की और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमें जो है ना डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें जो है ना 5 गिवन से, ये 1 2 3 4 5 हमें जो है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 गिवन है और इनकी एडिशन करेंगे हमें जो है ना 400 ऑब्टेन हुआ और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे 5 से हम डिवाइड करेंगे 400 को हमें जो है ना 80 arithmetic mean ऑब्टेन हुआ। यानी जो स्टूडेंट था उसकी जो है ना एवरेज मार्क्स हर सब्जेक्ट में यानी 80 है। अब जो ना हमें मीडियन गिवन है उसके हमें डेफिनेशन और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उसकी डेफिनेशन है मीडियन इज द वैल्यू व्हिच डिवाइड्स डेटा इनटू टू पार्ट्स। यानी मीडियन जो है ना कोई भी वैल्यू है जो डेटा को
टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट इज 50% डेटा और ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू, यानी जो है ना फर्स्ट पार्ट है तो 50% जो डेटा होगी वो जो है ना मीडियन वैल्यू से ग्रेटर होगी और 50% जो डेटा होगी वो मीडियन वैल्यू से लेस होगी। यानी ये टू पार्ट्स हमें जो है ना मीडियन में अपटेन होंगे तो 50% डेटा ग्रेटर होगी मीडियन वैल्यू से और 50% जो है ना लेस होगी। अब जो है ना हमें कैटेगरी, इसमें टू कैटेगरी है, हमें जो है ना फर्स्ट कैटेगरी की मैंने When n is odd number, यानी जो हमें numbers यानी डेटा हमें गिवन होगी वो odd में होगी, यानी कि odd numbers में होगी, दो तीन होगी, five होगी, seven होगी, nine होगी, हमें जो है odd numbers में डेटा गिवन होगी, हमें उसका formula है odd numbers का, median हमें जो है obtain होगी n plus one over two observations, यानी हमें जो है ना उस अगर हमें जो है ना फाइव नंबर्स गिवन है तो हम जो है ना फाइव में ऐड करेंगे, एक और टू से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है ना थ्री ऑप्टेन होगा और जो थ्री होगा ऑब्जर्वेशन वो जो है ना मीडियन होगा, यानी कि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ शो कर रहा है। एग्जांपल है, हमें एग्जांपल गिवन है फॉलोइंग रन्स मेड बाय बैट्समैन इन फाइव मैचेस, यानी ये जो रन्स है ये कोई भी बैट्समैन है ये पांच मैचेस में जो है ना ये रन्स बना रहा है उसका हमें जो है ना मीडियन फाइंड आउट करना है। हमें जो रन्स गिवन है 12, 18, 13, 16, 20, हमें जो है ना इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे, अब जो है ना हम ये जो रन्स हमें गिवन है 12, 18, 13, 16 और 20, अब जो है ना हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट रन होंगी बैट्समैन की वो हमें जो है ना फर्स्ट लिखनी है, तो 12 जो है ना फर्स्ट, 12 स्मॉलेस्ट है, सेकंड 13, फिर जो है ना 16, फिर 18, फिर 20, यानी अब जो ना हमें एन ऑब्जर्वेशन हमें जो ना ऑड है, यानी कि हमें पांच ऑब्जर्वेशन गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, हमें जो ना एन जो गिवन है ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें जो ना आठ गिवन है तो हम जो ना फार्मूला अप्लाई करेंगे एन प्लस वन ओवर टू ऑब्जर्वेशन, यानी कि एन यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें फाइव गिवन है तो यहाँ हमने एन का वैल्यू यहाँ फाइव पुट किया और प्लस वन ओवर टू, अब जो ना हम फाइव और वन को एड करेंगे तो सिक्स बाय टू हमें ऑब्टेन हुआ, सिक्स को जो है टू को टू का टेबल सिक्स के ऊपर थ्री टाइम लगेगा और जो ना हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन इस डेटा में जो है ना थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगी हमें जो है ना वो मीडियन अटेंड होगा, तो ये जो है ना हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और जो है ना ये जो है ना ये 50% लेस डेटा है मीडियन वैल्यू से और ये 50% ग्रेटर डेटा है, यानी ये जो ना मीडियन वैल्यू से ग्रेटर डेटा है और ये मीडियन वैल्यू से लेस डेटा है, तो ये जो ना टू पार्ट्स हो गए। और जो ना हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू करें 1, 2, 3 या यहाँ से शुरू करें 1, 2, 3, हमें जो ना 16 ही मीडियन अटेंड हो रहा है दोनों साइड से, अगर हम शो करेंगे तो हमें जो ना दोनों ही साइड से 16 अटेंड होगा, यानी कि यहाँ जो है ना 16 मीडियन है। अब जो ना हमें मीडियन की कैटेगरी दूसरी गिवन है उसमें जो है ना हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन गिवन है, इवन नंबर्स जो है ना हमें ऑब्जर्वेशन में गिवन है, हमें जो है ना उसमें इस कैटेगरी में हमें जो है ना इन दोनों ये जो ऑब्जर्वेशन से इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, यानी ये कोई भी दो नंबर्स है इसकी हमें जो ना एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो हमें एग्जांपल गिवन है फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 100, यानी 100 में से ना ये मार्क्स 10 स्टूडेंट्स ने उठाई है इंग्लिश सब्जेक्ट में 23, 15, 35, 48, 41, 5, 8, 9, 11, 51, हमें जो है ना डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर यानी हमें जो है ना सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर्स लिखने हैं,
तो ये हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब जो ना हमें मीडियन फाइंड करने के लिए इन दोनों ये जो नंबर से ये दो नंबर से इसकी जो ना हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब जो ना हमें इन दोनों की जो ना हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो ये हमने 1/2 यानी एवरेज के लिए दिया, और ये जो ना ये 1 टर्म और ये सेकंड टर्म इन दोनों को ऐड करके हमें जो ना 2 से डिवाइड करना है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। तो 1/2 ये हमने सेम रखा, और ये n/2 यानी कि ये जो डेटा हमें कंप्लीट गिवन है ये 10 टर्म से इसे हमें जो ना 2 से डिवाइड करना है, तो हमें जो ना 5/5 टर्म ऑब्टेन होगा, यानी कि हमें 5th टर्म और n plus 2 by 2 यानी कि 10 plus 2 by 2 यानी कि 12 by 2 = 6 हमें जो ना 5th टर्म और 6th टर्म को जो ना हमें ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। डेटा में से जो है ना ये 5th टर्म है और ये 6th टर्म इन दोनों को ऐड करके हमें जो ना 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमने 1/2 लिखा, ये 5th टर्म 50 और ये 6th टर्म 23 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 38/2 हमें ऑब्टेन हुआ, और 2 का टेबल 38 के ऊपर 19 टाइम्स लगेगा, तो 19 मार्क्स हमें जो ना मीडियन ऑब्टेन हुई है। 5 स्टूडेंट्स जो है ना 19 से लेस मार्क्स उठा सके, यानी कि ये जो है ना मीडियन वैल्यू है, 5 स्टूडेंट्स लेस उठा सके इससे मार्क्स, और 5 जो है ना ग्रेटर उठा सके इससे मार्क्स, यानी कि 19 से 5 स्टूडेंट्स ग्रेटर मार्क्स उठा गए और 5 स्टूडेंट्स लेस मार्क्स उठा गए। अब जो है ना हमें मूड गिवन है उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिनेशन है, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच अकर्स और अपीयर्स ऑफन, यानी कि किसी भी डेटा में अगर कोई भी नंबर कॉमन हो तो उसे हम जो ना मूड कहते हैं। मोस्ट कॉमन जो वैल्यू होगा ना किसी भी डेटा में हम उसे जो ना मूड कहते हैं। एग्जांपल पहला हमें गिवन है, उसमें जो ना हमें 1 to 5 नंबर्स यानी कि 3 नंबर्स गिवन है, इसमें जो है ना कोई भी नंबर कॉमन नहीं, तो इसमें जो है ना नो मूड यानी कि कोई भी मूड इसमें जो है ना नहीं होगा। इस एग्जांपल में कोई भी मूड नहीं होगा। एग्जांपल दूसरे में हमें जो है ना 10 15 15 15 20 20 20 और 25 गिवन है यानी कि 15 3 टाइम्स कॉमन है और 20 भी 3 टाइम्स कॉमन है, तो इसमें जो है ना 2 मूड्स होंगे 15 और 20। ऐसे एग्जांपल में 2 मूड्स होंगे 15 और 20। एग्जांपल तीसरा हमें गिवन है, उसमें जो है ना 2 टाइम्स कॉमन है, 5 3 टाइम्स कॉमन है, तो इसमें भी जो है ना 1 मूड होगा 5। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।